हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रेड 10 हाइट्स एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड। सपोज ये लेवल ग्राउंड है, उसमें एक वर्टिकल पोल है। यहाँ पे वर्टिकल मतलब स्ट्रेट। From a point on the ground 25 meter away from the foot of the pole. The foot of the pole से 25 meter away इस point में। So ये distance क्या हो गया हमारा 25 meter। ये suppose लेते हैं A और ये लेते हैं B। The angle of elevation of its top is found to be 60 degree. अब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या, हमारी आई लेवल से जब हम ऊपर देखते हैं उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस पॉइंट से 25 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल से जब हम पोल के टॉप को देखेंगे तो ये जो एंगल हो रहा है वो कितना दिया है, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये जो ए बी है वो हाइट ऑफ द पोल है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन में से ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो समझ में आ गया होगा। नीचे भी मैंने ड्रॉ किया है आपको ये इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में से पहले आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन समझ के इस तरह का एक डायग्राम क्रिएट करना है। डायग्राम क्रिएट करने से जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ है उसका आंसर निकलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो लेट ए बी बी द पोल स्टैंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड। अब पहले डायग्राम क्रिएट करो, फिर उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो लिखना होता है कि हमने इस डायग्राम में कौन सी चीज़ को क्या अज्यूम किया है। ओ बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ये वाला ओ। ओ ए इज 25, ओ ए यहाँ पे लिया है 25, जो फुट ऑफ द पोल से 25 मीटर अवे है। एंगल ओ ए बी इज 90, एंगल ओ ए और बी इज 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी इज 60, एंगल ए ओ ए ए ओ और बी ए ओ बी एंगल इज 60 डिग्री। ए बी इज एच, ये ए और बी जो हाइट है वो एच है, यहाँ पे ए और ये बी। इन अ राइट ट्रायंगल ओ ए बी, तो ये राइट ट्रायंगल ओ ए बी है उसमें ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में से ऑलरेडी पता है। तो आगे कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। तो आगे हमको क्या करना है, इसमें हमको क्या निकालना है, ए बी हाइट निकालना है और हमको कौन सी वैल्यू दी है, बेस दिया है। तो हाइट निकालनी है हमें, बेस दिया है। तो ए बी अपॉन ओ ए क्या होता है, टेन। और थीटा का वैल्यू हमें क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60। तो टेन 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए। तो अब हमको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियो से टेन 60 इज इक्वल टू रूट थ्री। तो ये जो हाइट ए बी है उसको एच लिखा, ओ ए हमें दिया है 25 इज इक्वल टू टेन 60 कितना है, रूट थ्री। तो ये वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सॉल्विंग करना है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। तो एच अपॉन 25 है तो ये 25 न्यू राइट हैंड साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो एच इज इक्वल टू 25 इंटू रूट थ्री। तो एच इज इक्वल टू रूट थ्री का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, जो कि लेना है हमें 1.73। तो उसका वैल्यू हमने ले लिया 1.73 एंड मल्टीप्लाई करने से आंसर आया 43.3। तो हाइट ऑफ द पोल इज 43.3 मीटर्स। तो आई होप आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है वो समझ में आ गया है। समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।